वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। स्वागत है आपका नेक्स्ट डोज के एक और प्रेस एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश दुनिया के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक और प्रेस एपिसोड। सबसे पहला अपडेट है क्रिकेट से रिलेटेड। विराट कोहली को ICC टेस्ट के कैप्टन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है और ODI के टीम ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो अगर आपसे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि ICC टेस्ट के कैप्टन ऑफ द ईयर कौन नामित हुए हैं, तो ये नामित हुए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट अपडेट भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और बास्केटबॉल प्लेयर हॉल ऑफ फेमर जोजो वाइट का हो गया है निधन। ये हैं जोजो वाइट, इनका हो गया है निधन। ये थे 71 वर्ष के। कितनी वर्ष के? 71 वर्ष के। नेक्स्ट अपडेट है HDFC बैंक से रिलेटेड। HDFC बैंक 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है, यानी कि 5 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला HDFC बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है। क्योंकि ये अपडेट है HDFC बैंक से रिलेटेड, तो आपको HDFC बैंक के अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए। HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट अपडेट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में चुनाव की डेट का कर दिया है अनाउंस। और ये 3 राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। त्रिपुरा में इलेक्शन होगा 18 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन होगा 27 फरवरी को। ये डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने। त्रिपुरा में 18 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और मेघालय और नागालैंड में वोट डाले जाएंगे 27 फरवरी को। क्योंकि ये अपडेट है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए, तो आपको इन 3 राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा को। इंडिया के मैप में ये रहा त्रिपुरा। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 8। अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक सरकार। अब आने वाले टाइम में होगा इलेक्शन और त्रिपुरा में क्या डेट दी गई है? त्रिपुरा में डेट दी गई है 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को चुनाव होगा, उसके बाद देखते हैं कौन बनेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं मानिक सरकार। अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय। कौन है? तथागत रॉय। अब देखते हैं मेघालय के बारे में। ये रहा मेघालय। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये है मेघालय। इसके ऊपर है असम और नीचे है ये रहा बांग्लादेश। ये जो व्हाइट कलर में है, ये है बांग्लादेश और इसके ऊपर कौन सा स्टेट है? इसके ऊपर है असम। मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और मेघालय में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? मेघालय में टोटल हैं 11 डिस्ट्रिक्ट। मेघालय के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? मेघालय के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल संगमा। और मेघालय में अब चुनाव होगा 27 फरवरी को, उसके बाद देखते हैं कौन बनेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री। मेघालय के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और तीसरा राज्य कौन है जहां पे चुनाव होना है? ये है नागालैंड। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये है नागालैंड। ये इसके ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और इसके नीचे क्या है? मणिपुर। नागालैंड की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड में भी है टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं TR जेलिंगा। कौन है? TR जेलिंग। और नागालैंड में गवर्नर कौन है? नागालैंड के गवर्नर हैं पद्मनाभा आचार्य। पद्मनाभा आचार्य ये हैं नागालैंड के गवर्नर। नेक्स्ट अपडेट है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया इजराइल बिजनेस समिट को किया है संबोधित। और ये संबोधित कहाँ पे किया है? ये संबोधित किया है मुंबई में। क्योंकि ये अपडेट है इजराइल के पीएम से रिलेटेड, तो आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। और इजराइल के बारे में मैं पिछले 4 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है इजराइल। और ये ब्लू एंड व्हाइट कलर में है इजराइल का फ्लैग। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी आपको पता है, इजराइल की करेंसी है इजराइली न्यू सेकल। और इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिब्रू और अरेबिक। अब तो आपको इजराइल रट गया होगा, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार मैं आपको इजराइल के बारे में यही जानकारी दे रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया से रिलेटेड। विंटर ओलंपिक 2018 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक साथ मार्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया विंटर ओलंपिक 2018 में
एक ही फ्लैग के नीचे एक साथ मार्च करेंगे। ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक साथ एक ही फ्लैग के नीचे मार्च करने को तैयार हो गए हैं। आपको पता होगा विंटर ओलंपिक 2018 होने वाले हैं पेंगयोंग में, और ये कब होंगे? फरवरी में। आपको क्या पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही थे, लेकिन बाद में इनका हो गया डिवीजन, और इनको डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। नेक्स्ट अपडेट आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइस एडमिरल एबी सिंह ने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये है एबी सिंह, इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो आप इनका नाम याद कर लें, इनका नाम है एबी सिंह। नेक्स्ट अपडेट है उड़ीसा से। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना को किया है लॉन्च। अब ये योजना क्या है? ये योजना है कि कलाकार जो 50 साल का होगा, पुरुष कलाकार जो 50 साल का होगा, उसे 1200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और जो लेडीज कलाकार 40 साल क्रॉस कर गई हैं उन्हें दिए जाएंगे 1200 रुपये पर मंथ। यानी कि पुरुष कलाकार जो 50 साल से ऊपर के हैं उन्हें 1200 रुपये पर मंथ, और जो महिला कलाकार हैं और 40 से ऊपर की हैं उन्हें 1200 रुपये पर मंथ। पहले था 60 साल पुरुष के लिए और 50 साल लेडीज के लिए, लेकिन अब इसे 10-10 साल घटा दिया है। क्योंकि ये अपडेट है उड़ीसा से, तो आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के मैप में उड़ीसा कहाँ पे है। ये रहा उड़ीसा, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और इन्हीं ने घोषणा की है इस योजना की। उड़ीसा के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा के गवर्नर हैं SC जमीर। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स जो आपसे आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में कौन से 3 राज्यों में इलेक्शन की डेट को डिक्लेयर किया है? उन 3 राज्यों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बस यही थे अपडेट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। आप वीडियो को इम्प्रूव करने का अपना अगर कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। एक और इंपोर्टेंट बात, आप हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ डेली। तो आप फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।